लखनऊ जोन में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और 125 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया। सिवनी के लखनऊ जोन में लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 125 से अधिक वाहन जब्त कर लिए। पुलिस ने नगर में घूम रहे दो पहिया वाहनों को जब्त किया। प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह अपने घरों से ना निकलें, लेकिन प्रशासन के मना करने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग वाहनों को लेकर शहर की गलियों में घूमने निकल जाते हैं, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी महादेव नागोतिया ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के आधार पर लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए कोई भी घर से बेवजह बाहर ना निकले। स्ट्रिक्टली निर्देश आपकी तरफ से दी जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि इवन पूरे संभाग में भी हम लोग ये कहने की स्थिति में है कि लॉकडाउन का अक्सर हम लोग पालन करा रहे हैं और लगभग 850 से 900 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन करने के मुकदमे भी कायम हुए हैं। इवन हम लोग हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के नेटवर्क है उसके माध्यम से भी चेक करते हैं कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन को उल्लंघन करे उस पर कार्रवाई हो, और लगातार मेरी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम है, पुलिस की टीम है, जो हमारे राजस्व के अधिकारी हैं, लगातार लॉकडाउन को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं। उसी का ही परिणाम है आज हम लोग ग्रीन जोन में। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जो लोग लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खास करके जो वाहनों पर जो लड़के 2 सवारी 3 सवारी बिना कारण निकल रहे हैं, इस प्रकार लगातार उन पर लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।